नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से, जिसमें कि सभी भारतीय ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से आते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है, सारी चीज़ें वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 13/9/2019 से दोस्तों आवेदन शुरू है। ऑफलाइन मोड से आपको आवेदन करना, आपकी एप्लीकेशन उनके पास जो है वो 14/10/2019 से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। ग्रुप सी की पोस्टों के लिए दोस्तों आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों कि किस किस पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए, तो यहाँ पे दोस्तों जो है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 19 है, और 3 नंबर ऑफ पोस्ट है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों 18 से लेके अगर आपकी जो एज है वो 42 ईयर तक है, इसके बीच में आती है, आवेदन कर सकते हैं। 19 नंबर ऑफ वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज बटी हुई है, आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी में रिक्रूटमेंट है और कितनी है। बात करें दोस्तों सैलरी की, तो यहाँ पे ग्रेड पे के साथ आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि आपकी एक तरह की परमानेंट जॉब होगी और आपको सैलरी भी इसमें अच्छी खासी जो है वो मिल जाएगी। ग्रेजुएशन मांगा गया, किसी भी स्ट्रीम में आपने करी हुई है आवेदन कर सकते हैं। साथ में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और आपकी जो है वो अच्छी खासी कमांड जो है वो अंग्रेजी और हिंदी में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको जो है आपने स्टडी में हिंदी या संस्कृत जो है वो 10वीं तक जो है वो पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए दोस्तों 18 से लेकर जो है वो सेम एज क्राइटेरिया रखा गया 42 ईयर का, और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी जैसा कि पहले मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी। बाहर की स्टेट से अप्लाई करेंगे तो अनरिजर्व के लिए करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने जो है वो बैचलर डिग्री करी हुई है लाइब्रेरी साइंस में और 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी जो है वो इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी कंपनी में, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर की जानकारी और हिंदी या संस्कृत की जानकारी जो है वो 10वीं तक आपने पढ़ी होनी चाहिए, तो ही आप जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई दोस्तों आपको जो है वो एक फॉर्म है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको फिल कर लेना। साथ में आपके डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी जो है वो लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करनी है, और ये उन्होंने एड्रेस बताया गया यहाँ पे आपको जो है पहुँचा देनी है, जो कि 14/10/2019 से पहले पहले पहुँच जानी चाहिए। साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है अगर आप अनरिजर्व से आते हैं जो 600 रुपये का, और अगर आप जो है वो आते हैं रिजर्व कैंडिडेट और हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको जो है वो 150 रुपीज़ जो है वो फीस पे करनी है। कैसे पे करनी है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। आपको फेवर में करना है डिमांड ड्राफ्ट कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, और जो पेबल रखना आपको रोहतक में, और बाकी 50% कंसेशन जो है वो मिलेगा वुमन कैंडिडेट को। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है वो बाकी अगर आप बात करें कि आपकी डेट और इंटरव्यू या आपके जो है वो कैसे होने वाले हैं एग्ज़ाम, तो उसके बारे में जो है वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो डिटेल डालेंगे, आपको वेबसाइट ही चेक करना पड़ेगा। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों वहाँ पे जो है नीचे आइए, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि एज आपकी जो है वो कितनी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी अगर आप हरियाणा स्टेट से आते हैं, तो जैसा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलती है वैसा ही आपको जो है यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो है वो सिलेक्शन होने वाला है तो क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें वो जो है वो 90 मार्क्स का होगा। बाकी दोस्तों जो है अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको जो है वो मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 75% जो है वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आएंगी, और बाकी जो है वो करंट अफेयर, उसके बाद जो है जियोग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, और जो है हरियाणा का जो होता है कल्चर उसके बारे में आप फिर जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों इसमें लिखी गई हैं। अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी बात यह है कि परमानेंट जॉब है। तो यही दोस्तों लिखा गया नोटिफिकेशन में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।